आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अंडे और ब्रेड की ऐसी रेसिपी जो आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी। फ्रेंड्स, ये नाश्ता इतना टेस्टी बनेगा कि फिर घर में बच्चे हो या बड़े, हर रोज इसकी डिमांड करेंगे। अंदर से इतना सॉफ्ट, चीजी और यम्मी है ये नाश्ता कि खाकर मजा ही आ जाएगा। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मेरी मॉम की किचन में। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर दीजिए, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। यहाँ सबसे पहले हमने एक पैन को गैस पे गरम कर लिया है और उसके अंदर डाल देंगे एक चम्मच बटर। ये हमने लिया है एक टमाटर, एक शिमला मिर्च, एक गाजर और एक हरा प्याज। इन सबको हमने बहुत बारीक बारीक काट लिया है। आप इसमें अपनी पसंद की कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं। इन सारी सब्जियों को पैन के अंदर ऐड कर देंगे और फ्लेम को मीडियम रखते हुए इसे थोड़ा सा कुक करेंगे। हमें इन सब्जियों को ओवर कुक नहीं करना, सिर्फ इनको एक मिनट तक ही पकाना है। हमें इनका क्रंची फ्लेवर चाहिए। बस हमें इनको इतना ही पकाना है। अब गैस को यहाँ ऑफ कर देंगे और सब्जियों को एक बॉल में ट्रांसफर कर देंगे। सब्जियों के हल्का सा ठंडा होते ही हम इसमें डालेंगे दो अंडे तोड़ के इस तरह से, और साथ ही में डालेंगे आधा चम्मच नमक और 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर। और इसके फ्लेवर को और भी ज़्यादा एनहेंस करने के लिए हम इसमें डालेंगे फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। अब अंडों को इस तरह से फेंटते हुए सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अब यहाँ पे हमने लिए सैंडविच वाली ब्राउन ब्रेड। इस तरह नाइफ से बीच वाले स्क्वायर पीस को हम अलग कर लेंगे। आपको नाश्ता बनाने के लिए जितने ब्रेड चाहिए इस तरह से आप इनको पहले ही काट कर रख लें। अब जो हमने सेंटर वाला पीस काटा है उसको एक बार अलग रख देंगे, और गर्म पैन में बटर स्प्रेड करने के बाद ब्रेड के इस हिस्से को पैन के सेंटर में रखेंगे। यहाँ पे हमें फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखना है, और अब इसके सेंटर में जो हमने मिक्सर बना के रखा है उसको इस तरह से भर देंगे, और अब इसके ऊपर रखेंगे एक चीज स्लाइस। चीज रखने के बाद जो ब्रेड का हमने स्क्वायर हिस्सा अलग किया था उसको भी लगाएंगे चीज के ऊपर, और फिर इसको स्पैचुला से इस तरह से हल्का हल्का प्रेस करेंगे। जब ये नीचे से थोड़ा सा पकने लगे तब हम इस तरह से साइडों से दबाते हुए इसको अच्छे से अंदर कर देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं हमने इसको अच्छे से प्रेस करके ऊपर वाले स्लाइस को भी इसके अंदर अच्छे से दबा दिया है, पर आपको ध्यान देना है कि फ्लेम को आपने पूरा टाइम लो ही रखना है। अब ये नीचे से पक गया है तो इसको हम बड़े आराम से इस तरह से पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी इसको लो फ्लेम पर ही सेकेंगे। मैंने इस नाश्ते को ब्राउन ब्रेड से बनाया है तो शायद आपको दिखने में ये ज़्यादा खूबसूरत ना लग रहा हो, लेकिन ये हेल्दी बनेगा। आप चाहें तो इसको व्हाइट ब्रेड से भी बना सकते हैं, और इसको सुबह या शाम के नाश्ते में कभी भी बनाकर खा सकते हैं। अब मैं इसको पलट कर दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये पीछे की साइड से भी कितना अच्छे से पक गया है। अब इसको आराम से फिर से पलट लेंगे और पलटने के बाद इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। कितना ज़बरदस्त दिख रहा है हमारा ये नाश्ता, एकदम पिज्ज़ा की तरह, और सच में बच्चे इस नाश्ते को बहुत खुश होकर खाएंगे। ये देखिए, ये दोनों साइड से कितना अच्छे से पका है। आप इसको टिफ़िन में भी पैक करके दे सकते हैं, या कहीं पिकनिक वगैरह पे जा रहे हैं तो भी इनको बना के ले जा सकते हैं। अब एक बार ये नाश्ता आपको मैं दोबारा से बनाकर दिखा देती हूँ। फिर से गरम पैन में हम बटर स्प्रेड करेंगे इस तरह से, और फिर ब्रेड के इस हिस्से को पैन के सेंटर में रखेंगे। यहाँ फ्लेम को बिल्कुल लो रखते हुए ब्रेड के सेंटर वाले हिस्से में इस तरह से तैयार किए हुए मिक्सर को डालेंगे, और फिर इसके ऊपर रखेंगे एक चीज स्लाइस, और इसके ऊपर रखेंगे ब्रेड का बीच वाला हिस्सा जिसको हमने पहले अलग करके रखा था। अब जैसे ही ये नीचे से थोड़ा सा सिकने लग जाएगा हम इसे स्पैचुला से दबाते हुए थोड़ा अंदर कर देंगे। ये अपने आप दबने लग जाएगा। जब ये थोड़ा दबने लग जाए तब इस तरह से हम साइडों से इसे अच्छे से दबा देंगे तो ये अपने आप ही अंदर की तरफ सेट हो जाएगा। अब ये नीचे से पक गया है तो इसको हम बड़े आराम से पलट लेंगे, और पलटने के बाद दूसरी साइड से भी लो फ्लेम पर आराम से सिकने देंगे। ये देखिए, अब ये दूसरी साइड से भी अच्छे से पक गया है। अब इसे फिर से पलट लेंगे और पलटने के बाद इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और यहाँ गैस को कर देंगे ऑफ। आ रहा है ना आपके मुंह में भी पानी ये नाश्ता देख के। आप सभी का भी मन कर रहा होगा कि फटाफट से ये नाश्ता खाने को मिल जाए, तो आप भी एक बार मेरी तरह ये टेस्टी और यम्मी नाश्ता अपने घर पर जरूर बनाइए। यकीन मानिए ये सभी को बहुत पसंद आएगा और इसका स्वाद मुंह से ही नहीं उतरेगा, और ये बहुत आसानी से और कम समय में बन जाता है। अब यहाँ पे हमारा यम्मी और टेस्टी नाश्ता सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इसको स्क्वायर या ट्रायंगल शेप में काट के भी सर्व कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, अंदर से भी कितना यम्मी दिख रहा है।
आपको इसमें पिज्जा, बर्गर, सैंडविच सारी चीजों के टेस्ट एक साथ मिल जाएंगे। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम क्रीमी सॉफ्ट बना है हमारा ये नाश्ता। तो आप भी ये यम्मी और टेस्टी नाश्ता एक बार जरूर बनाइए और मुझे कमेंट में लिखकर अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करिए। मैं आपके लिए फिर से लाऊंगी ऐसी बहुत सारी यूनिक रेसिपीज। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।